मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं के लिए अगले दो साल में केंद्र देगा 60,000 करोड़ रुपए की राशि। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री नितिन गडकरी ने बैतूल में दी जानकारी। तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन को किया संबोधित। विदिशा के गंज बासौदा में तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत। दिव्यांगजन के लिए किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों की दी जानकारी। कहा, देश में 10 लाख दिव्यांगजन को सहायक उपकरण किए गए वितरित। तेंदुपत्ता संग्राहकों को किया बोनस वितरित। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधामोहन सिंह ने भोपाल में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी विभाग का किया दौरा। वैज्ञानिकों के लिए बैठक, संस्थान की गतिविधियों और कार्यक्रमों की दी गई जानकारी। केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने इंदौर में भाजपा की विकास यात्रा का किया शुभारंभ। इंदौर जिले की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में आयोजित विकास यात्रा में अब तक के विकास कार्यों का दिया गया ब्यौरा। केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनिल माधव दवे की पहली पुण्यतिथि पर दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, नरेंद्र सिंह तोमर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। होशंगाबाद के बांद्राभान में भी आयोजित हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने भोपाल में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान के बारे में दी जानकारी। संस्थान के लिए प्रदेश सरकार ने आवंटित की 5 एकड़ भूमि। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली हाईकोर्ट ने पेड न्यूज मामले में दी राहत। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले को किया खारिज। पेड न्यूज मामले में की गई थी शिकायत। केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पिछले 4 साल में विकास कार्यों का दिया ब्यौरा। कहा, गांव और गरीब तक पहुंची सरकार। मनरेगा में भ्रष्टाचार हुआ खत्म। नीतियों में सुधार से बदला देशवासियों का जीवन। तकनीकी शिक्षा मंत्री दीपक जोशी ने शाजापुर में करोड़ों के विकास कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। हिरपुर टेका में मुख्यमंत्री नल जल योजना का किया शुभारंभ। एबी रोड से अभयपुर तक बनने वाली सड़क के काम का किया शुभारंभ। सैनिकों के सम्मान के लिए प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने की पहल। सैनिक के शहीद होने पर गांव के स्कूल का शहीद के नाम पर होगा नामकरण। स्कूल की दीवारों पर सैनिक की जीवनी को उकेरा जाएगा। बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए उठाया जा रहा है कदम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल के सारणी में पावर प्लांट बनाने का किया ऐलान। कहा, किसानों को गेहूं को 13 जून से वितरित की जाएगी प्रोत्साहन राशि। तेंदुपत्ता जिले में परसवाड़, रतौड़ा, बैतूल और मुलताई में सीमेंट कंक्रीट रोड को दी गई मंजूरी। राजस्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कोलार में 5 दिवसीय नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम जीवन की पाठशाला का किया शुभारंभ। स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को किया पुरस्कृत। कहा, बच्चों को नैतिक शिक्षा और अच्छे संस्कार देना जरूरी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक विधानसभा में आज शाम 4 बजे होगा बहुमत परीक्षण। विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए कांग्रेस और जेडीएस के विधायक पहुंचे बेंगलुरु। राज्यपाल ने बोपैया को बनाया प्रोटेम स्पीकर। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। शिक्षा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों की दी जानकारी। अपराधों को नियंत्रित करने के लिए जनसंवाद कार्यक्रम का दिया सुझाव। खालवा में मिलिट्री स्कूल खोलने की मांग की। और राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाओं से झुलस रहा है मध्य प्रदेश। प्रदेश के सभी जिलों में भीषण गर्मी से लोग परेशान। टीकमगढ़, छतरपुर और छिंदवाड़ा में गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश।